سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَحُ قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمين سمي آمين अल्लाह सुबहाना हमारा खालिक हमारा मालिक राजिक रब रहमान रहीम है और सबसे बढ़ के मालिक योद्दीन भी है अल्लाह सुबहाना ताला जो माहिर खलाक है उस माहिर खालिक ने उस खलाक ने इतनी बड़ी कायनात इतना बड़ा निज़ाम हस्ती क्यों बर्पा किया क्या मकसद जाहिर है वो जो माहिर खालिक है उसने इतना बड़ा निजाम हस्ती बेकार ला यानी नाउज बिल्ला अलल टप तो नहीं तखली क्या होगा अगर आप जरा सा गौर करें तो दुनिया में कोई शख्स जो एक चीज बनाता है मसलन एक, एक लकड़ी का सामान बनाने वाला एक मेज बनाता है कुर्सी बनाता है तो बामकसद बनाता है कोई जरूफ बनाने वाला एक मिट्टी का प्याला बनाता है तो बामकसद बनाता है तो दुनिया में बनाने वाले दुनिया में चीजें सनत करने वाले बेकार बेमानी फजूल ला यानी चीज नहीं बनाते उसके पीछे कोई मकसद होता है तो वो जो इतने बड़े निजामे हस्ती इतने बड़े कायनात को बनाने वाला सबसे माहिर खालिक है जिसने तखलीक की इब्तदा भी की और इंतहा भी करने वाला है उसने ये कायनात और कायनात के अंदर मखलूकत और मखलूक में से साहिब इख्तियार दो मखलूकत इन सभी चीजों को बामकसद बनाया है इस जमीन आसमान को अल्लाह सुबहाना तला ने क्यों बनाया वो खुद बताता है कि ये हमेशा के लिए नहीं है ये आर्जी है इनमें कयाम भी हमेशा के लिए नहीं है आर्जी है और आरजी तख्लीक और आर्जी कयाम का मकसद इस, इस कायनार का के लिए बनाई गई यहां वो देर बहुत तवील है और यहां पर आने वाली मखलूक का कयाम भी आर्जी है एक मुद्दत पर शुमार है तो लिहाजा मुस्तरों मताउन एक खास वक्त तक है तो ये दुनिया अल्लाह सुबह तम्तहान गाह के तौर पर बनाई और फिर इस इम्तिहान गाह में अल्लाह ने दो तखलूक़ात साहेब इख्तियार मखलूक़ को बसाया जिनका इम्तिहान लेना मकसूद था ये दो साहिब इख्तियार मखलूक़ात जिन और इंसान अपनी तख्लीक के तरतीब से अल्लाह ने फरमाया અને ખલકતુલ જिन्न વલ ઇન્સા ઇલ્લા લિયબુદૂન દેખો મેને જિનો ઓર ઇન્સાનો કો બનાયા હે ઇસલીયે કે વો મેરી ઇબાદત કરે જિનો ઓર ઇન્સાનો કી તખલીક કા મકસદ અલ્લાહ સુબહાન વ તઆલા કી ઇબાદત થી ઓર યે દેખને કે લિયે કે યે દોનો મખલુકાત અપને ઇસ મકસદ તખલીક કો કૈસે પૂરા કરતી હૈ કિસ હદ તક પૂરા કરતી હૈ ઓર કિસ તરહ પૂરા કરતી હૈ ने इन दोनों को इस इम्तिहान गांव में कुछ देर के लिए भेज दिया और वहां पे इसको आजमा लिया कि ये मेरी बंदगी मेरी अतात मेरी इबादत कैसे करती हैं। तो लिहाजा ये अल्लाह दोनों तखलूक को बनाया ही अपनी अतात और अपनी बंदगी के लिए था और अपनी बंदगी और अपनी अतात और अपनी इबादत का पैमाना और मैार परखने के लिए अल्लाह ने आर्जी तौर पर इस दुनिया के इम्तिहान गाह में भेजा जो इम्तिहान गाह में अल्लाह की बंदगी उसकी अतात उसकी इबादत करेगा उसके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा और जो इसका इनकार करेगा उसके लिए जहन्नम की वईद सुनाती लेकिन मेरा रब बड़ा रहमान है इस इम्तिहान गाह का, का इम्तिहान वो मालिक योम दीन क्यामत के दिन लेगा लेकिन वो रहमान वो रहीम रब सिर्फ इस दुनिया में आबाद करके भेज नहीं देता इम्तिहान लेने का बताकर और तस्करा करके भेज नहीं देता बल्कि उस रब ने उस इम्तिहान को हल करने का तरीका भी बताया है वो कुरान में खुद फरमाता है वह हदईना कि जब मैंने जिनों और इंसानों को इस दुनिया के इम्तिहान में इस कयाम गां में आर्जी तौर पर जिंदगी और मौत देकर भेजा था तो मैं उनको आजमाना चाहता था अपनी इबादत और अपनी अतात और अपनी बंदगी के लिए लेकिन फिर मैंने इनको दोनों रास्ते भी वाजे कर दिए कि मेरी अतात का कौन सा रास्ता है और मेरी नाफरमानी का रास्ता कौन सा है मेरी इबादत के तरीके कौन से हैं और मेरी सरकशी के तरीके कौन से हैं अल्लाह ने दोनों रास्ते भी वाजे कर दिए बुलंदी की तरफ जाने वाला साहर रास्ता मुश्किल जन्नत का रास्ता और जहन्नम की तरफ ढलवान वाला हाँ ढलवान की तरफ जाना बज़ाहता आसान होता है लेकिन ढलवान और नशेब और जहन्नम के गढ़ों आग के गढ़ों की तरफ जाने वाला रास्ता और तरीका कार भी वाजें कर दिया हदयना हो न जदय ने दोनों रास्ते वासे कर दिए ये उस रहमान और उस रहीम रब ने कैसे किया अल्लाह ने गाहे बगाहे नबी भेजे अपनी इबादत अपनी बंदगी अपने हलाल अपने हराम अपने जायज़ अपने नाजायज अपने पसंदीदा अपने नापसंदीदा जन्नत के रास्ते और जहन्नम के रास्ते की तरफ ले जाने वाले अमाल की निशानदही करने वाले उनकी खबर देने वाले नबा देने वाले नबी भेजे अल्लाह की तरफ से ये गाहे ब गाह ये नबी आते रहे लेकिन इनमें से कुछ पर अल्लाह ने सिर्फ वही की नबूवत और वही नहीं कुछ पर अल्लाह ने वही के जरिए आसमानी किताबें भी नाजिल की अब फिर शरीय असला में वो नबी गोया रसूल ठहरे और रसूलों की तादाद हमें कुरान में गोया पांच का तयन मौजूद है हजरत दाऊद जिनको जबूर हजरत मूसा जिनको तोरात हजरत ईसा आलाम जिनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल किया गया और हजरत इब्राहिम आल्लाम भी इस हवाले से रसूल पुकारे जाते हैं सुहाफे ब्रहिमूसा के हवाले से तो लिहाजा नबी और रसूल अल्लाह तन तालीम को पहुंचाते रहे रसूलों के जरिए किताबें आसमानी इलाहा किताबें भी भेजी गई अल्लाह का बड़ा करम अल्लाह का बड़ा एहसान कि उसने अपनी इन किताबों के जरिए उसने अपनी इन एहकाम के जरिए हमें दोनों रस्ते भी बता दिए इम्तिहान गांव में रहने का तरीका इम्तिहान के पर्चों को हल करने का तरीका इसमें अज़ीम पाने मुबीन से बचने के तरीके बता दिए और फिर सबसे बड़ा करम कि अल्लाह सुबहला ने इन आसमानी किताबों की तकमील अल कुरान के जरिए फरमा दी लाल बफी मुत्तकीन तकवा करने वालों के लिए हदायत बनने वाली किताब अल किताब को नाजिल कर दिया इस किताब को अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया अल अकमल तो इस्लामीना अल्लाह ने इस किताब को मुकम्मल भी कर दिया और मुकम्मल करने के बाद अल्लाह सुबहान तला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा भी ले लिया हिजर की आयत नंबर में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने जिक्र नसीहत याद दहानी नाजिल की और फिर अल्लाह ने इस जाम मुकम्मल अल किताब को अकमल तु अतम तू जिसको अल्लाह ने पुकारा इसकी अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा ले लिया कुरान मेरे रब का सबसे बड़ा कर्म है बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह का फजल है कि जिसको अल्लाह इस कुरान से जुड़ने की तौफीक दे देता है कुरान के नाम का तसव्वुर कहां से है और इसका मतलब क्या है इमाम शाफई के हवाले से यह है कि जैसे अल्लाह सुबहाना तआला ने तौरात और इंजील का नाम आसमानी किताबों का नाम तौरात और इंजील रखा वैसे ही अल्लाह सुबहान वहम्मद की तरफ भेजे जाने वाली किताब का नाम कुरान तजवीज फरमाया है ये नाम अल्लाह का अपने कलाम का ये नाम अल्लाह की तरफ से तजवीज करता है अल्लाह सुबहाना कुरान में सूरा क्यामा की आयत नंबर सेवनटीन और एटीन में फरमाया के बेशक इसका जमा करना और इसका पढ़ना हम पर है फा कू फ्रना जब हम इसको तुम पर पढ़ें तो तुम इसके पीछे पीछे पढ़ा हाँ करो सुलह्याम की इस आयत नंबर सेवनटीन और एटीन के हवाले से भी लफ्ज़ कुरान का लफ्स मन समझ में आते हैं कुरान लफ्स के मन अगर इसका माता औफ रौ नून बनाया जाए तो ओफ नून कौरना का मतलब है जमा करना जोड़ देना मिला देना जोड़ देना मिला देना कुरान की मुख्तलिफ सूरतें एक दूसरे से मिली हैं सूरतों के रकुआत एक दूसरे से मिले हैं मरबूत है रब्त है है, और एक रको की आयात का आपस में रहा है तो कुरान में सारी बात का तसलसल सिलसिला कलाम आपस में मिला है जुड़ा है मरबूत है ये है कौर का इसकी आयतें इसके रकुआत और इसकी सूरते आपस में बहम मिली हुई है अगर इसका रूट वर्ड काफ्र हमजा लिया जाए तो इसके दो मानी वजह होते हैं एक मतलब उसने जमा किया कुरान कुरान वो किताब है आसमानी किताब है जिसने पिछली इल्हामी आसमानी किताबों की तालीमत को भी जमा करके इकट्ठा कर लिया और काफ्र हमजा का दूसरा मतलब है उसने पढ़ा तो गोया इसको कुरान इसलिए भी कहा जाता है कि इसको बार बार पढ़ा जाता है इसको बार बार पढ़ा जाता है कुरान मिलाने के हवाले से जमा करने के हवाले से और पढ़ने के हवाले से अपने मानी वजह करता है कुरान के खुद कुरान में आठ नाम मजकूर हैं। सबसे पहला नाम अल कुरान जैसे अल्लाह से बहना तूर की आयत नंबर एक और दो में फरमाते हैं तो कुर कुरान ने खुद अपना नाम कुरान कहकर पुकारा है एक और नाम अल किताब सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया वालिकल किताब उफी हदल मुत्तकीन एक और नाम अल-फुरकान, फर्क कर देने वाला मुबालगे की हद तक हक और बातिल में नेकी और गुनाह में जायज और नाजायज में हलाल और हराम में फर्क कर देने वाला पैमाना सूरह फुरकान की आयत नंबर एक तबारही यकून अल आलमी नजीरा बरकत वाली है वो जात जिसने फुरकान को अपने बंदे पर नाजिल किया ताकि वो तमाम जहान वालों के लिए मुतनबे करने वाला हो जाए एक और नाम चौथा नाम अविक्र हिजर की आयत नंबर नौ में अल्लाह ने फरमाया है इन्ना नखन नद विक्रवा इन्ना लखलिजून हिजर की आयत नंबर नौ में अ तंजीलू नाजिल शुदा आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया जाने वाला व वा इन्ना तंजील उम्मिर के इसमें कोई शक ही नहीं अल्लाह सुबाना तआला की तरफ से नाजिल किया गया छेवा नाम इसको अल हक कहा गया है अलहक उमिर अबी का फला नमिनल मुमतरीन ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है तुम इसमें शक करने वाले ना बन जाओ फिर इसको कुरान में अहसन हदीस कहकर पुकारा गया अल्लाह अहसन अल हदीस अल्लाह ने सबसे अच्छी बात उतारी फिर इसको कुरान में बुरहान कहकर पुकारा गया है अल्लाह सुबह ने कुरान में फरमाया या या योहन्नास योहन्नास फरमायान्नासुआना सुम बुरहानिकुम नूरना तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान आ गई तो कुरान के नाम अगर आप देख लीजिए कुरान फुरकान, बुरहान, अल किताब अल हक, अलह तंजील इसके सत्रह सिफाती नाम बताए गए हैं जैसे कुरान के साथ कुरान करीम कहा जाता है तो सेवनटीन सिफाती नाम कुरान के मजकूर जैसे अल्लाह सुभान व के व लिल्लाह अल हुस्ना फदउहू बिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सिफती नाम में कुरान के 17 सिफती नाम मस्कूर है मजीदुन करीमुन रजीमुन अज़ीज़ुन नूरुन माउरेज़तुन نور موعزة شفاء شفاء لما في الصدور هدى رحمة مباركا مبين حكيم بشير نذير तस्दीक करने वाला है पिछली किताबों की पिछली किताबों की तालीमत की महामन हिफाजत करने वाला है अल्लाह की अल्लाह की तालीमत अल्लाह के अहकाम अल्ला के हक और पिछले नबियों की तालीमत की भी हिफाजत करता है कुरान वो किताब जो तौरात और इंजील के बाद बहुत देर के बाद और तखीर के बाद फतरतन नबूवत का एक पीरियड आपको मालूम है कि बनी इसराइल और बनी इस्माइल में जो किताबें आई बनी इसराइल में आखिरी किताब इंजील जो हजरत ईसा आलाम पर नाजिल हुई और इधर बनी इस्माइल हजरत इब्राहिम आसलाम सब्राहिम ममूसा हज़रत इब्राहिम का सकीफा तो लिहाजा यहां पर पच्चीस सौ साल बनी इस्माइल में तो 2500 साल 3000 साल पहले किताब नाजिल हुई और बनी इसराइल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलैहि सलाम की वलादत सलाम की वफात के पांच सौ इकहत्तर साल बाद और फिर चालीस साल बाद नबूवत, तो तकरीबन 600 सौ साल बाद 600 सौ से भी ज्यादा सवा छो साल बाद इंजील के पुरान का नजूल और इसका आगाज और मजीद पर तेईस साल में इसकी तकमील तो एक तवील दौरानिया के इंसानियत के पास कोई आसमानी और इल्हामी किताब नहीं थी थीमत क्या है अल्लाह सब ये चाहते थे कि इंसानियत ने जितना इलाहाद जितना टेढ़ जितना हक से इहराफ अकीदों का बिगाड़ शिरक सही अकायद की नफी करनी है वो एक दफ़ा खुल के कर ले ताकि फिर इस इस कामिल कलाम के जरिए उसकी वंस फॉर ऑल क्यामत तक तस्ही कर दी जाए और फिर अल्लाह उस तस्ही करने वाली किताब की हिफाजत कर ले कि इंसानी जहन जितना टेढ़ जितना इलाहाद जितनी अकायद की खराबी और जितनी शिरक और इन तमाम चीजों के अंदर इंडर्ज कर सकता है एक दफा इंसानियत खुल के कर ले जितना जितना इंसान का जहन अपनी बागें दौड़ा के अपने घोड़े दौड़ा के हाथ की तरफ और टेढ़ की तरफ जा सकता है उतना इंसान कर ले और फिर वंस फॉर ऑल कुरान के नजूल के साथ इसकी तकमील की जाए और अल्लाह हला सुबहाना ने एक और जो हमें तफसिर में इस फ़तरतुल नबूवत के पीरियड की मिलती है वो ये भी मिलती है कि उस सकीम रब की शायद एक ये भी हमत थी कि इंसानियत के दिल में और जहन में हवास में अल्लाह के कलाम की एक तलब एक प्यास हक के इल्म की एक तलब और प्यास पैदा की जा रही थी प्यासी जमीन जैसे पानी के बारिश के कतरे को फौरन समो लेती है जजब कर लेती है वैसे इंसानियत के जहन में शूर में हवास में एक प्यास पैदा की जा रही थी ताकि जैसे वो कुरान से बारे रहमत आसमान से बारान रहमत की तरह यह कुरान की वही इलाही की आयात आती तो इंसानियत उसको प्यासी इंसानियत उसको जजब कर लेती उसको समो लेती और वाकई ऐसे ही हुआ इंसानियत ने उतर कर हिरात से सूहे काउ आया और एक नुस्खाए की मियाँ साथ लाया यही तो हुआ था प्यासी इंसानियत ने उसको जजब कर लिया समो लिया था आफिर महक दूर दूर तक मदीना की बस्ती तक तो इसकी महक फैल गई थी आप सल्हलम की हदीस के अल्फाज हैं पिछली इल्हामी और आसमानी किताबों के हवाले से हजरत अस्का की रवायत से हजरत वासला बिन अस्का की रवायत से।, से तिबरानी में हदीस है कि आप सल्हम ने फरमाया मकान तौरा तस्बिन व मकाना मीना व मकान मसानी

सूराफाल और कुछ सूरा तबा को इसी में शामिल करते हैं वो जो तस्वर है कि इन दोनों के दरमियान बिसमिला नहीं है और ये एक ही सूरत है तो कुछ सवा तवाल में सूरा तबा को भी शामिल करते हैं फिर आपने फरमाया कि मुझे जबूर की जगह मुझे मीन सूरतें दी गई मीन सूरतें ये वो सूरतें हैं जिनकी तादाद आयात की तादाद सौ से लेकर दो सौ तक है यानी वो सूरतें, वो तो लंबी सूरतें ना सवा कमाल। अगला ग्रुप सूरतों का वो है जिनकी आयात की तादाद हंड्रेड से लेके टू हंड्रेड तक है ये सूरतें सूरा यूनस से लेके सूरा अश्योरा तक है अगर सूरा तोबा को सवा तवाल में शामिल कर लिया जाए तो यहां पर फिर सूरा तोबा शामिल नहीं होती सूर्यस से लेकर सूर्य अश्योरा तक ये किसकी जगह दी गई थी आपने फरमाई मुझे जबूर की जगह दी गई वह मसानी और इंजील की जगह मुझे मसानी दिया गया मसानी से मुराद कुछ के नजदीक तसुरा तो अल्फातेहादातना का सब अमिन मसानी साथ दोहराई जाने वाली आयात और मसानी उन सूरतों को भी कहते हैं जिनकी आयात की तादाद सौ से कम है जिनकी आयात की तादाद सौ से कम है इनको मसानी सूरतें भी कहा जाता है यह सूरा अन नमल से लेकर हुजरात तक की सूरते हैं सूरा अन नमल से लेकर सूरा अल हुजरात तक की सूरते फिर आप वसल्लम को किसकी जगह दी गई इन की जगह दी गई और फिर आपने फरमाया वफुजिलत और फजीलत दी गई मुझे किसके बिल मुफसल सूरतें ये वो सूरतें बता चुकी हूं आज फिर दोहरा लीजिए मुफसिल सूरतों को मजीद तीन ग्रोहों में डिवाइड किया गया है सबसे पहले तुआले मुफसिल मुफसिल की लंबी सूरतें हैं ये रा खौफ से लेके सूरा अलबरूज तक है तुआले मुफस्सिल, सरा काफ़ से लेकर अल अलबरूज तक है इसके बाद औसाते मुफस्सिल, मुफस्सिल में से दरमियाने वस्त दरमियाने नंबर की लंबी सूरतें। यह सूर् अब तौरिक से लेके सूरा अलबयना तक है औसाते मुफस्सिल, और फिर किसारे मुफस्सिल ये मुफसिल की छोटी सूरतें हैं ये सूरा अजलजाल से सूरा अन्नास तक है तो लिहाजा तुवाले और सात औसात के सारे मुफसल जो सूरा खौफ से लेके सूरा निजा तक आगे तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये वो हैं जिनके जरिए आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे बाकी नबियों पर फजीलत दी गई यानी ये किसी नबी को पहले नहीं दी गई कुरान जिसके हवाले से कुरान की सिफारिश के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसरत अबू अमामा बाहली की रवायत से मुस्लिम की हदीस है क़ुरान पढ़ा करो क्योंकि कयामत के रोज़ वो अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारशी बन के आएगा और यहां तक कि हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सिफारिश इसकी शिफात के हवाले से यह भी फरमाया कि कयामत के दिन कुरान से बेहतर शाफी और कोई नहीं होगा और फिर आपने यह भी फरमाया कि कुरान ऐसा शाफी है कि इसकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी कुरान वो कलाम इन الله في लई القدر وما ओमा ما कमांई القدر कदर القدر خير من खै शहर हजार महीनों से बेहतर यह है कुरान कुरान वो चीज है जिस रात में उतरा उस रात को लई लतुल कदर बना दिया ये पारस है जिस चीज को छू जाता है उसको सोना बना देता है जिस रात में उतरा वो रात लई लतुल बन गई हजार महीनों से बेहतर हो गई दुआओं की कबूलियत के दरवाजे खुल गए गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन गई यह है कुरान की फजीलत जिस महीने में उतरा और रमजान कुरान वो महीना शहर मुबारक बन गया शहर आज बन गया गुनाहों की बख्शिश दर्जात की बुलंदी जहन्नम की आग से निजात का जन्नत के दाखले का बाब रिन् के जरिए दाखले का जरिया बन गया यह है कुरान की फजीलत जिस बस्ती पर यह कुरान नाजिल हुआ वो बस्ती क्यामत तक उम्मल कुरान तमाम बस्तियों की माँ बन गई इस बस्ती में हरम की हदूद और क्यामत से पहले कुर्ब क्यामत की निशानियों के हवाले से ये फितनाए दाल से भी पुरामन बस्ती करार देती गई ये वो कुरान जिस मोहम्मद सल्लाह वसल्लम पर उतारा गया वो मोहम्मद मुज़तबा बन गए रहमत हो गए जिस उम्मत को इस कुरान का हामिल बनाया गया वो उम्मत अल्लाह ने खुद उस उम्मत को कुतुम खरा उम्मतन उम्मत वसतन लकब दे दिया यह है कुरान की फलत इसके साथ जिहादादन कबीरा है सूरा फुरकान की आयत नंबर 52 अल्लाह फरमाते हैं फला तो अल काफरी जिहादन कबीरा देखो काफरों की अतात ना करना और काफरों के साथ जब तुम जिहाद करने लगो तो उस कुरान को लेकर जिहाद करना कुरान की अशात कुरान की तबलीग कुरान का नफाज कुरान की हिफाजत और कुरान के बताए हुए तरीका एक कार के मुताबिक जिहाद कबीर है अल्लाह की तमाम नेमतों में से एक बड़ी नेमत, सुरा बकरा की आयत नंबर टू थर्टी वन में अल्लाह सुबहाना याद दहानी करवाते हैं। सुरा बकरा की आयत नंबर दो सौ इकत्तीस में अल्लाह फरमाते वस कर् मकल कुम जिक्र करो याद करो उस नेमत को वो जो मैंने तुम पर की ओमान जलाई बिही वो नेमत जो मैंने तुम पर की है उसको याद करो जो मैंने तुम पर अल किताब, कुरान के नेमत और नजूल किया इसको याद करो वो तुम्हें इसके साथ हिकमत की बातों की वाज़ करता है अल्लाह सुबहान तला ने सूरा यूनस की आयत नंबर 57 और 58 में बहुत खूबसूरत से कुरान के नजूल और इसकी बरकत का तस्करा फरमाया या योहन्नासु या योहन्नासु कज्जातकुम मौइजतुम मिर रब्बिकुम वशिफाउ लिमा फिस्सुदूर ए लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ गई है एक याद दहानी आ गई है और वो जो सीनों में बीमारियां हैं उनकी शिफा है वह खुदा व रहमत और हदायत है और रहमत है किन के लिए जो इसको मानते हैं और इसकी मानते हैं कुल بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون सूरह यunus की ये आयत नंबर 57 और 58 बड़े खूबसूरत तरीके से फरमाती हैं कि ये कुरान क्या है ये कुरान एक नसीहत है एक याद दहानी है बीमारों की शिफा और रहमत के तरीके हैं। ये रहमत है अल्लाह की तरफ ये हदायत है और जिसको ये मिल जाए फल या फ्राहू उसे तो चाहिए कि वो खुश हो क्यों वाहैर या जमाउन ये उन तमाम चीजों से बेहतर है जो लोग जमा करते हैं द तो बेस्ट थिंग एनी बडी कैन गैदर बेहतरीन चीज जो कोई जमा किए जाने के लायक है या जो कोई जमा करने वाला जमा कर सकता है वह वैर उमिमा यजमाउन ये कुरान है ये वो कुरान है कि जिसकी दो सूरतें ही क्यामत के दिन क्या है ये निजात का जरिया बनेगी ये दो साहिबान दो परिंदे जो झुंड बादबानों की शक्ल में आएंगी बहु वैर यजमाउन है ये बेहतरीन चीज है जो लोग जमा करते हज़रत हजैद बिन अरकम अन के रवायत से मुस्लिम में हदीस आती है अला व इन्नी तार्फी कुम फ़कल देखो खबरदार रहो मैं तुम्हारे दरमियान दो अहम और भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं खबरदार हो जाओ देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो अहम दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं एक है अल्लाह की किताब जो इसको थामे रखेगा जो इसकी पैरवी करेगा वो हदायत पर रहेगा और जो इसको छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा यही है खैर उम्मिमा यजमाउन इस खैर को थामे रखोगे तो हदायत पर रहोगे अल्लाह की रस्सी है औखता समूब अल्लाह की रस्सी है इस रस्सी को थामे रखोगे तो हदायत पर होगे इस रस्सी को छोड़ दोगे तो रास्ता गुम कर दोगे गुमराह हो जाओगे हजरत अबरा रजील की रवायत से सही हदीस के अल्फाज है हाकिम ने रिवायत किया है मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं इन पर अमल करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे नेवर कभी गुमराह नहीं होगे एक अल्लाह की किताब और दूसरा मेरी सुन्नत किताब अल्लाह व सुन्नती अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत इनको थामे रखोगे अति अल्लाह व ती रसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا यही बता रही है हदीस Quran, मजीद पर जो लोग अमल करेंगे उनको दुनिया में गलबा और अरूज होगा और आखरत में भी उनको अरूज मिलेगा हजरत उमर रजी अल्लाह की रवायत से मुस्लिम की हदीस आती है इन अल्लाह यह रफाऊब अक्वामन किताब अखवाऊब ही आखरीन कि अल्लाह सुबहाना ताला इस किताब के जरिए कुछ लोगों को गलबा और अरूज देगा और लोगों को जलील और करेगा का यही तो है ये कुरान या तेरे हक में हुज्जत बन जाएगी या तेरे खिलाफ हुज्जत बन जाएगी अल्लाह सब तरन इस, इस किताब के जरिए कुछ को अरूज देगा कुछ को बुलंदी देगा कुछ को इज्जत देगा और कुछ को जलील और रस्वा करेगा तुम्हारे और बहुत ही प्यारी सी हदीस हजरत जुबैर बिन रज़ी मुतम रजील्ला की रिवायत से तिबरानी में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शेरू खुश हो जाओ खुश हो जाओ खुशियां मनाओ इस कुरान का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है कि जो कुरान तुम्हारे हाथ में है खुश हो जाओ अब शुरू खुशियां मनाओ खुश हो जाओ गुड न्यूज है तुम्हारे लिए इस कुरान का एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा तुम्हारे हाथ में है, अल्हमदल्लाहमदुल्ला इसे मजबूती से थामे रखना अल्लाह ने यहूदों नसारा को भी तो जब कुरान दिया था अल्लाह की किताब दी थी खुजुमा आताई न कुम इसको मजबूती से थामे रखना इसे थामने के बाद ना तुम कभी हलाक होगे ना तुम कभी गुमराह होगे दुनिया की हलाकतों से भी बच जाओगे गुमराहियों से भी बच जाओगे एक अल्लाह के हाथ में एक सिरा तुम्हारे हाथ में हजरत अबू हरेर रजील्ला की रवायत से हदीस इंशाल्लाह हम बुखारी में भी पढ़ेंगे आपने फरमाया कि तमाम नबियों को मोज़ज़ात दिए गए थे जिनको देखकर लोग उन पर ही लाए लेकिन मुझे कोई जा कुरान के अलावा नहीं दिया गया और मुझे उम्मीद है क्यामत के दिन मुझ पर ईमान लाने वालों की तादाद सबसे ज्यादा होगी कुरान वो कलाम में यजमा कि जिसके एक एक हर्फ के पढ़ने पर दस दस नेकियों का अचर है हदीस का हवाला क्या है हजर अब्दुल्ला बिन मसूद की तवाय से तरमजी में हदीस आती है क्या आप ने फरमाया जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा जिस शख्स ने अल्लाह साल की किताब से एक हर्फ पढ़ा उसके लिए एक नेकी है और शबे मेराज के हवाले से हम क्या जानते हैं एक नेकी का बदला दस गुना है ये तो शब माज के मौके पर वादा किया गया था न और एक नेकी का बदला दस गुना है जो शख्स अलिफ लाम मीम पढ़े वो एक हर्फ नहीं वो तीन हर्फ हैं। यह ही बता रही है एक हर्फ अलिफ एक हर्फ लाम एक हर्फ मीम को अगर हिसाब लगाएं तो अलिफ लाम मीम पढ़ने वाले को कितना अज़र है कम से कम तीस नेकियों का अज़र है यह है कुरान की फसीलत समझ आया वहां वजमा कोई किताब कोई कोई चीज दुनिया की ऐसा ऐसा मीडिया ऐसा लिटरेचर है जिसकी अदायगी पर एक एक हर्फ की अदायगी का का अज़र है। बहुत ही खूबसूरत सी वो मिसाल इंशाल्लाह हम बुखारी में भी पढ़ेंगे आप सल्ला वम ने कुरान पढ़ने वाले और कुरान पर ईमान लाकर उस पर अमल करने वाले की मिसाल जो है वो बहुत खूबसूरत हवाले से दी बुखारी में हजरत अबू मूसा आश्र रजील्ला की रवायत से खदीस आती है इंशाल्लाह इसकी तो हम शराब भी वजाहत से पढ़ेंगे आपने फरमाया कि कुरान मजीद की तलावत करने वाले मोमिन की मिसाल इन एक शख्स जो कुरान पर ईमान भी लाता है मोमिन है कुरान को मान रहा है कुरान की भी मान रहा है और साथ कुरान की तलावत भी कर रहा है उसकी मिसाल मीठे लीमू की सी है उसका जायका भी अच्छा है और उसकी खुशबू भी अच्छी है एक मोमिन जो कुरान को मानता है कुरान की मानता है और कुरान को और कुरान की मान के कुरान की तलावत भी करता है तो महक भी है और जायका भी है उसकी उसकी मिसाल कैसे मीठे लीमू की सी है कुरान मजीद की तलावत ना करने वाले मोमिन की मिसाल यानी वैसे वो साहिब ईमान है लेकिन वो कुरान की तलावत नहीं करता उसकी मिसाल खजूर किसी है जायका तो अच्छा है लेकिन खुशबू नहीं तलावत कुरान की फजीलत पता चल रही मोमिन है लेकिन कुरान की तलावत नहीं करता ना तो फिर क्या है ईमान की वजह से तो है खजूर की तरह लेकिन खुशबू नहीं है कुरान मजीद की तलावत करने वाले गुनाहगार आदमी की मिसाल वैसे मोमिन नहीं है कुरान को मान के कुरान की नहीं, नहीं मानता वैसे गुनाहगार है लेकिन कुरान की तलावत करता है उसकी मिसाल रेहान की सी है जिसकी खुशबू तो अच्छी है लेकिन जायका कड़वा है और कुरान मजीद की तलावत ना करने वाले गुनाहगार की मिसाल यानी ना ईमान है और ना ही तलावत है उसकी मिसाल हंजला किसी है उसका जायका भी कड़वा और खुशबू भी नहीं अल्लाह सबल हमें उस मीठे लीम की तरह का बना दे कुरान को माने कुरान की माने और अल्लाह हमें कुरान की तलावत यतलूल हिमातिका की कैफियत और तोफी अता फरमा दे कुरान मजीद की तलावत और अमल करने वाला मुमिन काबिल रश्क बन जाता है ये भी हदीस हदीसाला इसी किताब में पढ़ेंगे बुखारी की हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हसदा हसद नहीं है सवाए दो मर्दों पर सिर्फ दो लोग जो हैं वो हसद यानी रश के काबिल हैं एक वो शख्स जिसको अल्लाह सुभान व तआला ने कुरान का इल्म दिया है और वो इसको सुबह शाम पढ़ता है और हदीस में यह भी आता है कि उसका हमसाया उसको सुनता है तो कहता है काश मुझे इस जैसा बना दिया गया होता और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह माल दिया है और वो उसको सुबह शाम दाएं बाएं अल्लाह की राह में खर्च करता है कुरान की तलावत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन की रिवायत से मुस्लिम में हदीस आती है क्या वसल्लम ने सवाल किया सहाबाक राम से क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि जब वो अपने घर जाए तो उसके लिए तीन मोटी ताजी सेहतमंद घर में मौजूद हो यानी तुम लोग अभी मेरी महफिल में हो तुम लोग ये चाहते हो कि यहां से जब अपने घरों में जाओ तो तुम्हारे घरों में तीन मोटी ताजी फरबा ऊंटनियां तुम्हारे घरों में मौजूद हो आपको पता है कि अरबों के यहां घोड़ों और ऊंटों की तो बहुत मोहब्बत थी उनके लिए ये ट्रांसपोर्ट भी थी उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये माल का इजहार का जरिया भी था तो तुम्हारे दिल है कि तुम जाओ घर में और तुम्हारे सहन में तुम्हारे घर में तीन मोटी ताजी फरमा उठनियां तो सब ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब ये चाहेंगे तो आपने फरमाया कुरान मजीद की तीन आयतों को अपनी नमाज में तलावत करना क्योंकि आपको पता है कि कुरान की तलावत का अजर सबसे ज्यादा किस हालत में होता है नमाज की हालत में इसलिए अपने हिफ्स कुरान में भी इजाफा करने की लगातार कोशिश करनी है कुरान मजीद की तीन आयतों अपनी नमाज में तलावत करना तीन ऊंटनियों से बेहतर है सुबह की नमाज में कुरान की दस आयतें पढ़ना उसकी फजीलत क्या है हजरत फजाला बिन अबीद हजरत फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह तन की रवायत तिबरानी की हदीस आती है क्या आप सल्लाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रात के कयाम में तहजद में क्याम में दस आयात तलावत की उसके लिए अजर का ढेर है अल्लाह हमारे से कुरान में इजाफा फरमा दे जिस शख्स ने क्याम में तहजद की नमाज में दस आयात तलावत की उसके लिए अजर का ढेर है और ये ढेर दुनिया और माफिया से बेहतर है कैसे है बेहतर जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह वज़ल फरमाएंगे कि कुरान की हर आयत के बदले एक दर्जा चढ़ता जा कुरान की हर आयत के बदले एक दर्जा चढ़ता जा यहां तक कि तू आखिरी आयत मुकम्मल कर ले यानी जितनी तू तहज में पढ़ता था उस हर आयत के बदले एक एक दर्जा चढ़ता चढ़ता जा यहां तक कि तू आखिरी आयत मुकम्मल कर ले फिर अल्लाह सोल्ला बंदे से फरमाएंगे अपना हाथ मेरी नेमत पकड़ने के लिए खोल दे पहले उसका दर्जा बुलंद किए जाएंगे तहजद में कुरान की तलावत की फजीलत एक, एक आयत के बदले एक एक दर्जा तड़ता जा और फिर जब उसका दर्जा मुकम्मल होगा तो फिर अल्लाह फरमाएंगे अब अपना हाथ मेरी नेमत पकड़ने के लिए खोल बंदा अपना हाथ खोल कर अर्ज करेगा ए मेरे रब तू ही बेहतर जानता है यानी अपनी आता अपनी फजल अपने कर्म जो तूने मुझे देना है वो तो तू ही जानता है ना तो अल्लाह सुबह इससे मुखातिब होकर फरमाएंगे एक हाथ में हमेशगी की नेमत को पकड़ लो और एक हाथ में बाकी नेमतों को पकड़ लो तो अल्लाह सुबह उससे कसीर नेमतों से नवाजेंगे जो शख्स रात को सौ आयतें पढ़ता है उसको सारी रात के कयाम का अजर लिख दिया जाता है हजरत दारी की रवायत से हदीस के अल्फाज है कि जिस शख्स ने रात को सौ आयतें पढ़ी जिस शख्स ने रात को सौ आयतें पढ़ी उसके लिए सारी रात के क्याम का अजर लिख दिया जाता है ये तो रात की तलावत और तहचुद की नमाज की आयात और उनकी फजीलत है दिन में भी रोजाना जो सौ आयात और हजार आयात तलावत करता है उसकी फजीलत हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस अमर बिन अलास की रवायत से हदीस अबू दाऊद की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने रोजाना दस आयत का अहतमाम किया जैसे सुरा और सुरा, अल-खलास, है ना, ना, दस आयत हो गई जिस शख्स ने रोजाना दस आयत का अहतमाम किया वो गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा उसका नाम गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा अला ने कुरान में हुक्म दिया ना वाला तकुम में मे गाफिलीन, देख तू गाफिलों में से ना हो जाना और अल्लाह ने गाफिलों के लिए वही भी दिया जो मेरे मेरे जिक्र से गफलत करेगा फिर उसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका उसकी मीशत के वसायल इस मैं जिंदगी उसके लिए तंग कर दूँगा तो जो रोज़ाना दस आयात पढ़ेगा हदीस ने बताया कि उसको उसका नाम गाफिलों में नहीं लिखा जाएगा या गाफिल नहीं था मुझे याद तो करता था जिसने रोज़ाना सौ आयात पढ़ने का अहतमाम किया उसका नाम फर्मा बरदारों में लिख दिया जाएगा अरे दस, -दस हर नमाज में पढ़नी कोई मुश्किल है हर रकत के अंदर दस, दस पढ़ेंगे तो भी यही होगा फर्मा बरदारों में नाम आ जाएगा जिस शख्स ने सौ आयात पढ़ने का एहतमाम किया उसका नाम फर्मा बरदारों की सफ में लिख दिया जाएगा और जिसने रोजाना हजार आयात पढ़ने का एहतमाम किया अल्लाह उसका नाम खजाना पाने वालों में लिख दिया जाएगा सिर्फ यह दुनिया ही में हदायत दुनिया ही में इज्जत नहीं बल्कि हमें हदीस से और कुरान से पता चलता है कि यह बुरी मौत को आसान करता है कुरान का ताल्लुक कुरान की तलावत नमाज में तवील कुरान बुरी मौत को बुरी मौत से बचाता है मौत के वक्त को आसान करता है मौत के बाद इज्जत का जरिया बनता है फिर वो तवील हदीस जो खबर के पहले तीन सवालों के हवाले से है हजरत बिरा बिन आजिब रजी अल्लाह तवायत से अबू दाऊद में हदीस आती है क्या आपको मालूम है कि कबर में मोमिन के पास दो फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे उसको उठा के बिठाएंगे और उसे पूछेंगे कि तेरा मन रब्बू का तेरा रब कौन था फिर पूछा जाएगा वो कहेगा रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह था फिर उसे पूछा जाएगा मन रसूलू का तेरा रसूल कौन था वो क्या कहेगा रसूल मेरे कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु सल रसूल थे फिर पूछा जाएगा मा दीनों का तेरा दीन तो क्या था तो वो कहेगा दीन ही अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है तो ये दोनों फरिश्ते कहेंगे कि ये सारी बातें ये जो तीन सवाल हमने तुझसे पूछे इन तीनों सवालों का जवाब तुझे कहाँ से पता चला तो वो क्या कहेगा वो कहेगा करा तो किताबल्लामन तो बिही मसौदाखतू मैं कुरान पढ़ता था मैं कुरान पढ़ता था कबर के तीनों सवालों का जवाब सही जवाब जिसके बाद जन्नत का लिबास जन्नत का बिछौना जन्नत की खिड़की खोली जाएगी इन तीनों सवालों का सही जवाब तुझे कहाँ से मिला क़रा तो अल्लाह मैं कुरान अल्लाह की किताब पढ़ता था ना और पढ़ता था फिर क्या करता था फा अमन तो वही मैं इस पर ईमान लाता था मसौदाख्तू और मैं इसकी सच्चाई की तस्दीक भी करता था तो कुरान कबर के अंदर उन तीनों सवालों की जवाब का जरिया भी बनेगी और कुरान ही कबर की अजाब से निजात का जरिया भी बनेगी अजाब कबर से निजात के लिए हजरत अबू हरेरा रजी अल्लाह रवायत से हदीस आती है। तिबरानी ने रवायत किया है कि जब आदमी कब्र में दफन कर दिया जाएगा तो फरिश्ते हर तरफ से उसको अजाब देने के लिए आते हैं फरिश्ता जब दाई तरफ से आएंगे अजाब के फरिश्ते जब जानब से आएंगे तो उसकी नमाजें उन अजाब के फरिश्तों को रोकेंगी जब वो पाइंती की जाने पांव के जानब से आएंगी तो उसके नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल के जाने वाले कदम उसको के फरिश्तों को रोकेंगे बाई तरफ से ज़क़ात अजाब के फरिश्तों को रोकने का जरिया बनेगी और आगे से आगे से सदक तो लिहाजा दाई जानब से नमाज पाओ की जानब से मस्जिद की तरफ चल के जाने वाले कदम बाई जानब से ज़क़ात आगे की तरफ से सदकान और सर की जानब से अजाब के फरिश्ते जब सर की जानब से आएंगे तो उसका वो कुरान जिसको वो पढ़ता था वो अजाब के फरिश्तों को रोकने का जरिया बनेगा और हमें हदीस से यह भी पता चलता है कि वो शख्स जो कुरान को मोहब्बत और इखलास से पढ़ता था कबर में जब अंधेरा भी है तन्हाई भी है तारीकी भी है तो वो कुरान एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उसके कबर का साथी बना दिया जाएगा कबर में सही सवालों का जरिया कबर में अजाब के फरिश्तों को रोकने का जरिया कबर में वो नौजवान कबर की तन्हाई को दूर करने का जरिया यह सब वसीले कौन होगा कुरान कुरानयामत का दिन कबर से अगला मरहला आपको मालूम है हदीस ने बताया आपने फरमायान दो चमकने वाली सूरतें इनको पढ़ा करो दो चमकने वाली सूरतें इनको पढ़ा करो ये कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के हक में इस हाल में आएंगी जैसे दो साहिबान दो बादल या दो परिंदों के झुंड अब अपने पढ़ने वालों के हक में सिफारिश करेगी दोहरा तो लीजिए क़यामत के दिन कुरान से बढ़ के शाफी और कोई नहीं होगा एक और हदीस में फरमाया कुरान वो शाफी है जिसकी सिफारिश रद्द नहीं की जाएगी इसीलिए आपने फरमाया था कुरान को और स बकरा को हासिल करना रहमत है और इसको छोड़ देना हसरत है मैदान हशर में कुरान पढ़ने वाले का दर्जा क्या होगा हजत रजी अल्लाह तन की रवायत से मुस्लिम में हदीस आती है अलमाह कुरान कुरान की तलावत में महारत रखने वाला कुरान की तलावत में महारत रखने वाला शख्स कहा होगा लिखने वाले इज्जतदार फरिश्तों के साथ होगा अल बरारा, वो जो अल्लाह सुबहाना तला के लिखने वाले फरिश्ते हैं इज्जतदार फरिश्ते रवानी से कुरान पढ़ने वाला तलावत कुरान करने वाला अल्लाह के इज़्ज़तदार कातिब फरिश्तों के साथ होगा और वो जो शख्स तलावत करने में अटकता था और तलावत करने में दिक्कत महसूस करता था लेकिन पढ़ने की कोशिश करता रहता था ना रुक रुक के पढ़ता था लेकिन पढ़ता रहता था उसके लिए दो अजर होंगे कौन सा अजर एक उसकी कोशिश का और दूसरा उसकी तलावत का अल्लाह हमें माहिर कुरान भी बनाए और अल्लाह कुरान को पढ़ने के लिए मेहनत मशक्कत और सही करने का शौक और शगफ भी अता फरमाए हजरत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह तवायत से हदीस मुस्लिम में आती है अलरन हजरत का मुस्लिम की हदीस में आपने वाजे तौर पर फरमा दिया कि ये कुरान जो है ये क़यामत के दिन या तो तेरे हक में हुज्जत होगा तेरे हक में गवाही देगा तेरे हक में सिफारिश करेगा और या तेरे खिलाफ गवाही और सिफारिश अल्लाह इस कुरान को हमारे हक में सिफारिश करने वाला बना दे बेहतरीन शख्स कौन है कुरान को पढ़ने वाला बुखारी की हजरत उस्मान रजील्ला की रवायत से आपने बहुत दफा सुनी खैर महू तुम में से बेहतरीन कौन है किन में से तुम खैरा उम्मतन में से उम्मत वसतन में से बेहतरीन उम्मत में से वो उम्मत जिसके लिए आपने फरमाया था कि मुझे उम्मीद है कि दो तिहाई जन्नती मेरी उम्मत ही में से खोगी उस उम्मत में से बेहतरीन लोग कौन हैं, जो कुरान को पढ़ते और कुरान को लोगों को सिखाते खुद पढ़ते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं? हजरत अबू हरेरा रजील तन की रवायत से हदीस आती है मुस्लिम में कि आप सल्लाम ने फरमाया जो शख्स दीन का इल्म हासिल करने के लिए सफर करेगा जो शख्स यानी दीन का इल्म हासिल करने के लिए सफर करेगा तो अल्लाह इस सफर के बदले उसके जन्नत का सफर आसान कर देगा ये जो मैं और आप अपने घरों से चल के आते हैं कुरान का इल्म हासिल करने के लिए ये सफर बस अवकात कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं आपको नहीं पता हम बहुत दूर से आते हैं तो रश करें जो बहुत दूर से आते हैं और अल्लाह ने उसको दूर से आने की तोफीक दी है उसके लिए उतना ही जन्नत का सफर आसान होगा इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो कुरान के इल्म को हासिल करने के लिए निकलते हैं हजरत अब रजील के पास एक शख्स दीन का इल्म और उसका एक सवाल पूछने के लिए हाजिर हुआ आप दमिश्क में थे एक शख्स आपके पास हाजिर हुआ आपने उससे पूछा कि क्या

तो शख्स ने कहा कि मैं खालिशत आपसे ये मसला और ये सवाल पूछने के लिए आया हूं तो हजरत तो रजी अल्लाह तआला ने फरमाया फिर मैं तुम्हें अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के वो अल्फाज ना बता दूं कि जो शख्स जो शख्स खालिसतन दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके कदमों तले अपने पर बिछाते हैं फरिश्ते उसके कदमों तले अपने पर बिछाते हैं उसके दिल पर सकीना तारी करते हैं और उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करते हैं और फिर वैसे भी हदीस में अल्फाज आते हैं कि जो शख्स जो शख्स वो कदम जो दीन के इल्म की खातिर खाक आलूद होते हैं उन कदमों पर जहन्नम की आग हराम है कुरान हदीस इस्लाम दीन की तालीमत को सीखने के लिए जो लोग निकलते हैं उनके कदम खाक आलूद होते हैं उन कदमों पर जहन्नम की आंख हराम है कुरान को सीखना खैरको मनतामल कुरानाहू कैसे है एक कुरान का आलिम उसकी फजीलत आबिद पर इबादत करने वाले पर कैसी है हजरत अबूदरदार रजी अल्लाह तवायत से इबन माजा में हदीस के अल्फाज हैं आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसी चांद को सितारों पर चौथवी का चांद और सितारे क्या इनका आपस में कोई मुकाबला है आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसे चांद को सितारों पर उलमा तो अंबिया के वारिस हैं उलमा तो अंबिया के वारिस हैं अंबिया दीनार और दिरहम की वरासत नहीं छोड़ते दीन के आलिम जो है वो तो नबियों के वारिस हो जाते हैं और नबियों ने वरासत में कोई दिरहम और दीनार तो नहीं छोड़े थे बल्कि इल्म की वरासत छोड़ते हैं ओलमा अंबिया के वारिस हैं अंबिया दिरहम और दीनार की वरासत नहीं बल्कि इल की वरासत छोड़ते हैं बस जिसने जितना इल्मिल किया उसने अंबिया की विरासत में से उतना ही हिस्सा पा लिया जिसने जितना इल्म हासिल किया उसने अंबिया की विरासत में से उतना ही हिस्सा पा लिया याद रखिएगा दीन की दावत दीन की तबलीग कुरान और हदीस के तालिब इल्म तलेब कौन है ये अंबिया के वारिस है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन आप की वफात के बाद एक दफा मदीना की गली में से गुजरे तो कुछ लोग बैठे हुए थे रुबाते कर रहे थे और वो हंस रहे थे नी दुनियावी बातें और जा रही थी तो हजरत अब हरे ने फरमाया अफसोस तुम पर कि तुम इधर बैठे हो और एक जगह की निशानदेही करके हजरत अबू रेरा ने फरमाया फां फला जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्हे वसलम की वरासत तकसीम हो रही है यह हम की वरासत है और कुरान और हदीस का इल्मिल करने वाले नबियों के वारिस हैं आप सल्लाम ने कुरान सिखाने वाले के लिए और आलिम कुरान के कलम की जो स्याही है उस तक की फजीलत जो बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन शहीद के खून को और आलिम के कलम की स्याही को तोला जाएगा कयामत के दिन शहीद के खून को और आलिम के कलम की स्याही को तोला जाएगा सुन रखो आलिम के कलम की स्याही का वजन शहीद के खून के वजन से ज्यादा होगा वो आलिम का कलम जो एक नुकता डालता है उसमें जो स्याही इस्तेमाल होती है सही को भी तोला जाएगा और वह शहीद के खून से ज्यादा भारी और ज्यादा वजन वाली होगी इसी तरह आलिम की फजीलत बताते हुए तरमजी में हजरत अबू अमामा की रवायत से हदीस आती है कि आपने फरमाया, आलिम को आबित पर ऐसी फजीलत है हमारा दीन सिर्फ इबादतों का नाम नहीं है इबादतों की फजीलत बहर कैफ मौजूद है लेकिन याद रखिएगा इबादत पे भी हुसन और लुफ और कैफ तभी होगा जब उस रब का इल्म उसकी पहचान होगी फाफल्ह ने फरमाया, आलिम को आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसी मुझे तुम में से किसी आम आदमी पर अल्लाह पर जैसे मुझे तुम में से किसी आम आदमी पर फिर आप वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला लोगों को भलाई की तालीम देने वालों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाते हैं यानी वो आलिम जो लोगों को खैर और भलाई की तालीम देता है अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं जमीन और आसमान की सारी चीजें उसके लिए रहमत की दुआ करती हैं यहां तक कि बिलों की चींटियां और पानी की मछलियां भी उसके लिए बख्शिश और रहमत की दुआएं करती हैं बिलों की चींटियां और पानी की मछलियां भी दीन सीख कर सिखाने वाले के लिए बख्शिश की दुआएं करती हैं कुरान की दो आयतों को कुरान की दो आयतों को समझकर पढ़ना और पढ़ा देना सौ नवाफिल से बेहतर है और कुरान और हदीस के एक बाब एक चैप्टर को समझकर पढ़ना या पढ़ा देना हजार नवाफिल से बेहतर है दो आयत को समझकर पढ़ना या पढ़ाना सौ नवाफिल से बेहतर है और एक बाप को समझकर पढ़ना या पढ़वाना हजार नवाफिल से बेहतर है इसी हवाले से हजा बिन आमिर मुस्लिम में हदीस में फरमाते हैं कहते हैं कि हम अल्ह के रसूल सल्हे वसलम के साथ ना असाब सुफा जो है वो हम बैठे हुए थे तो आप वसल्लम ने असाब सुफा से मुखातिब होकर कहा कि तुम ऐसे कौन शख्स है वो चाहता है कि रोज वो बुतहान में जाए या अकीक में जाए और वहां से वो ऊंचे कोहानों वाली दो ऊटनिया बगैर कतारेमी के और बगैर कीमत के खरीद लाए यानी कि तुम लोग ये चाहोगे ये दो ये दो मंडिया थी ना जानवरों की बथान और अकीक तुम से कौन शख्स चाहेगा कि तुम सुबह सुबह उठो और तुम बथान जाओ या तुम अकीक जाओ और वहां से ऊंचे कोहानों वाली मोटी ताजी फरबा उठनियां तुम बगैर किसी जुल्म से आती के बगैर किसी कीमत के बगैर किसी कतरेमी के तुम खरीद लाओ तो साहब ग्राम कहते हैं हमें साहब सुबह थे हम सब ने कहा कि यार ये तो हम सभी चाहते हैं तो आप सल्म ने फरमाया तो फिर मस्जिद में जाओ और किसी शख्स को दो आयतें सिखा दो और या खुद दो आयतें पढ़ लो तो ये तुम्हारे लिए उन दो उठनियों से बेहतर होगा जाओ खुद दो आयतें सीख लो या किसी को दो आयतें पढ़ा दो तो ये तुम्हारे लिए उन दो उठनियों से बेहतर होगा और तीन आयतें तीन उठनियों से और चार आयतें चार ऊटनियों से इसी तरह जितनी आयतें होंगी उतनी ही उठनियां बेहतर होंगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहाना ताल की तोफ़ी से हम दो तीन रकुआत का मुतालिया करते हैं अल्लाह इसको हमारे हक़ में कबूल फरमा लेना अल्लाह हमें इन चीज़ों का हिर शौकता फरमा देना अल्लाह मरते दम तक हमें कुरान का रहने की तोफ़ी कताब फरमा दे वैसे भी आपको पता है कि जो किसी को इल्म नफा देने वाला इल्म अपनी जिंदगी में सिखा दिया जाता है हदीस बताती एक इंसान जब फौत हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनकता हो जाता है तीन अमल जारी रहते हैं उसमें टॉप ऑफ द लाइन क्या है वो नफा देने वाला इल्म जब वो लोगों को सिखा गया और सबसे बेहतरीन नफा देने वाला इल्म कौन सा है हदयना जदैन दोनों रस्ते दिखाने वाला इल्म कुरान और हदीस का इल्म इल्मनने के बाद भी इसका सिलसिला जारी रहेगा ये बात आप वाजे तौर पर जानते हैं कि जिस शख्स को जितना कुरान आता होगा उतना ही उसके दर्जात बुलंद होते जाएंगे हजरत अब्दुल्ला बिन अमर की रवायत से हदीस है तो हदीस आती है क्या आप सलम ने फरमाया कि कयामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ता जा और दर्जात चढ़ता जा और सुन उसी तरह ठहर ठहर के पढ़ जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था पढ़ता जा और दर्जा चढ़ता जा और सुन उसी तरह ठहर ठहर के पढ़ जैसे तू दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था तेरा आखिरी दर्जा वो हो होगा जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी और वो बहुत ही प्यारी हदीस और बहुत ही खूबसूरत हदीस के अल्फाज खास तब रजील की रवायत से हदीस के अल्फाज है तिबरानी में हदीस है तवील हदीस है क्यामत के दिन कुरान एक थके हुए इंसान की शक्ल में अपने पढ़ने वाले के पास आएगा कुरान क्यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के पास एक थके हुए इंसान की शकल में आएगा और अपने पढ़ने वाले अपने कारी से पूछेगा मुझे पहचानते हो इन अल्लाह से वाला के हुक्म से थके हारे मुसाफिर की शक्ल में वो कुरान पढ़ने वाले के पास आएगा और उसे पूछेगा मुझे पहचानते हो मैं वही हूँ जिसने तुम्हें रातों को जगाया मैं वही हूं जिसने तुम्हें रातों को जगाया तुम्हें गर्मी में प्यासा रखा बेशक हर तजारत करने वाला अपनी तजारत का फल हासिल करना चाहता है कुरान अपने पढ़ने वाले से कहेगा कि आज का दिन तो अपनी नेकियों का फल हासिल करने का दिन है ना तो जिस जिसने दुनिया में तिजारत की थी हर एक शख्स आज अपनी नेकियों का फल हासिल करना चाहता है लेकिन मैं आज दूसरे नेकी के ताजरों को छोड़कर तेरे पास आया कुरान किसके पास जाएगा जिसको पढ़ पढ़ के वो रातों को चाकता था जिसको जिस पर ईमान लाके वो भूख प्यास काटता था कुरान कहेगा कि आज सारे नेकी के ताजर अपनी नेकियों का बदला चाहते हैं लेकिन मैं सारे नेकियों के ताजरों को छोड़कर मैं तेरे पास आया हूं फिर कुरान इसके हक में सिफारिश करेगा कुरान अपने पढ़ने वाले के हक में सिफारिश करेगा और फिर कुरान की सिफारिश पर उसको दाएं हाथ में बादशाही दी जाएगी उसको दाएं हाथ में बादशाही दी जाएगी और बाएं हाथ में हमेशगी का परवाना दिया जाएगा दाएं हाथ में उसको बादशाही दी जाएगी कुरान पढ़ने वाले को यह बादशाही दी जाएगी और बाएं हाथ में उसको हमेशगी का परवाना दिया जाएगा ला या फीहा बोला या क्या मौत नहीं आएगी उसको उसके सर पर वकार और इज्जत का ताज रखा जाएगा बादशाही भी हो गई हमेशगी की बादशाही भी हो गई ताजपोशी होगी उसके सर पर वकार और इज्जत का ताज रखा जाएगा उसके वालदेन को दो कीमती लिबास पहनाए जाएंगे साहिब कुरान की अपनी इज्जत और फिर उसके वालदेन की भी इज्जत उनको दो कीमती लिबास पहनाए जाएंगे जिसके मुकाबले में दुनिया और माफिया की सारी दौलत खींच होगी अब ये वो दो लिबास जो साहब कुरान या कुरान पढ़ने वाले या कारी कुरान या कुरान के आलिम के वदेन को जो दो लिबास पहना दिए जाएंगे वो दुनिया और माफिया की सारी दौलत से ज्यादा होंगे तो वो कारी कुरान के जो वालदेन है वो कहेंगे कि अल्लाह हमारी ये इज़्ज़त अफजाई क्यों आपको पता ना कि मैदान हशर में लोग बेलिबास होंगे तो वह शख्स कहेगा वो वो कुरान के आलिम के वालदेन कहेंगे कि अल्लाह हमारी ये इज्जत अफजाई क्यों हमें ये बदला क्यों तो ने जवाब दिया जाएगा उस कुरान के इफ़ जो तुमने अपनी औलाद को पढ़ाया था उस कुरान के इफ़ जो तुमने अपनी औलाद को पढ़ाया था एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो जब साहेब कुरान के वाले का हाल ये होगा तो सोचो साहेब कुरान का अपना हाल क्या होगा जब साहेब कुरान के वाले का हाल ये होगा तो सोचो साहेब कुरान का अपना हाल क्या होगा अल्लाह हमें साहेब कुरान बना दे अल्लाह हमें साहेब कुरान औलादों के वालदेन बना दे और अल्लाह हमारे वालदेन को साहिब कुरान औलादों के वालदेन बना दे अल्लाह तआला हमें अपने वालदे के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बख्शिश निजात और आखिरत की इज्जत और अल्लाह वहां के वहां के अकराम का अल्लाह अला तआला उसका हकदार बना दे और दूसरी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदकारी से कहा जाएगा कुरान मजीद जिस तरह तुम दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ते थे कुछ आयात पढ़ लेते थे उनको समझते थे उसकी तफसीर पढ़ते थे या कुछ आयात पढ़ लेते थे उनको समझाने की कोशिश करते थे उसके मानी उसके मफह हदीस के खजानों से बताने के लिए सरगर्म रहते थे जिस तरह तुम दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ते थे उसी तरह पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात को चढ़ते जाओ तेरा जन्नत का आखिरी दर्जा वही होगा जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी अल्लाह सुबहनामा तोफी तौफीक इल्ला बिल्ला अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते तूने जो इन महफिलों की दावत पहुंचाई जो तूने हमें सवारियां दी जो तूने हमें हालात दिए जो तूने हमें तंदरुस्त आज़ाद दिए और अल्लाह तूने जो ये कुरान और हदीज़ थामने की तौफीक दी अल्लाह इसको हमारे लिए बायस हदायत बना दे बायसे बख्शिश बना दे बायसे बायसे राहबत बना दे बाय से बरकत बना दे अल्लाह हमें अल्लाह उस दिन हमारी सिफारिश और हमारे अंतर्जात की बुलंदी का जरिया बना दे अल्लाह हमें अपने वाले के लिए और इलाही हमारी औलादों को हमारे हक में सदका दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताक़ीद फरमाई राउजतल जन्ना जन्नत के बाग जब तुम्हारा गुजर उन पर हो तो तुम वहां से कुछ चर चुग लिया करो अल्लाह जो तूने हमें इन राउज उलजन्ना से मंसूब कर दिया जोड़ दिया अल्लाह हमें बेहतरीन चरने चुगने की तोहफी ता फरमा अल्लाह जो चरे चुगे उसको अपने जिसम का हिस्सा अपने ईमान की तकबीयत, अपने अमल की इस्तकामत का जरिया बनाने की तोहफी कता फरमा अल्लाह तेरा वादा है कि जमीन के जिस टुकड़े पर मेरे कुरान मेरे दीन मेरे जिक्र की महफिल बर्पा होती है उस टुकड़े को मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा अल्लाह जमीन के इस टुकड़े के साथ हम सबको अपने अहल खाना के साथ जन्नत के पहला खानों में जमा फरमा देना कामदिका रशहद रुका बना तू बोले सुबहना रबी का रब लड़ सा अम्मा ये सिफोन وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم